तो देशहित में आज हम पूछने वाले हैं आज के ये बड़े सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े गए हैं वो संघ से जुड़े थे। दिग्विजय सिंह ने संघ पर हमला बोलने के चक्कर में हिंदुओं के आतंकवादी होने की बात कह दी। पहले उनकी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ पर हमला बोलते हुए हिंदुओं को आतंकवादी कहा और अब दिग्विजय सिंह ने यही बात कही है। देशहित में हमारा बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को हिंदुओं में आतंकवादी दिखते हैं क्या? वहीं कश्मीर में सीज फायर खत्म होने के साथ ही सेना ने पाकिस्तान के पाप का हिसाब लेना शुरू कर दिया। कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए सीज फायर खत्म होते सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और 2 आतंकी ढेर कर दिए। क्या ये घाटी में आतंक के संहार की शुरुआत है? वहीं कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री की मौजूदगी में एक मौलाना ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी की बात कही, इसको लेकर कुमारस्वामी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन क्या मंत्री की चुप्पी से जिन्हें उठारू राहुल के मंदिर दर्शन का पर्दाफाश हो गया? बात 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई की भी, जिसमें बीजेपी को फिर से सत्ता दिलाने की कमान संघ ने अपने हाथ में ले ली। हाल ही में गुड़गांव में हुई बीजेपी संघ की बैठक के बाद संघ के बड़े प्रचारकों को बीजेपी के संगठन में अहम भूमिका देने पर सहमति बनी है। तो क्या ये बीजेपी के मेक ओवर के लिए संघ का टेक ओवर है? उधर चीन ने कहा है कि भारत और चीन एक और डोकलाम विवाद नहीं चल सकते। वही साथ ही चीन ने भारत पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की बात कहकर एक नया शिकुफा छेड़ दिया है। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच बिचौलिया बनना चाहता है चीन?